अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल समीर, 4K न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शराबियों ने किया रोज़ेदार पर हमला। जी हाँ नाजरीन, आरमगढ़ सिग्नल के पास सिग्नल दलते ही इस्माइल नामी शख्स ने अपनी गाड़ी रोका, तभी बेवजह 4-5 शराबियों ने इन पर हमला कर दिया और इनके पास से पैसे भी छीन लिए। इन्होंने पुलिस को कॉल भी किया, लेकिन अफसोस पुलिस का रिस्पॉन्स 2 घंटे के बाद भी नहीं आने पर मोहम्मद इस्माइल ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताया। आइए देखते हैं 4K न्यूज़ की ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है, मैं यहाँ से दानम्मा चौकड़ी के पास से आरमगढ़ जा रहा था। आरमगढ़ चौरस्ते के ऊपर सिग्नल के पास ये झोपड़ियाँ वाले बोल के है, कहते कोई पाकेटा है यहाँ पे, उन लोगों का यहाँ पे खुला राज चल रहा और जिसको बोले उसको लोग रोक के मार दे रहे हैं। और अभी मैं सिग्नल के ऊपर रुके हुआ था, थोड़ी देर पहले मैं सिग्नल के ऊपर रुके हुआ हूँ। मेरे कुछ 4-5 जने मिल के घेर लिए और उसमें पानी का बॉटल वाला है, पैकेट है उन्हें, और ये लोग पूरे यहाँ पे जो है ना एक अड्डा जमे हुआ है यहाँ पे अत्तापुर चौरस्ते पे। मैं देर पहले हुआ है, 1 घंटा पहले हुआ है। आप पुलिस को कॉल करेंगे? मैं 100 डायल किया, अभी तक मेरे को रिस्पॉन्स भी नहीं मिला मेरे को पुलिस का। कॉल करके कितनी देर हुआ पुलिस को? मैं आधे घंटे के ऊपर हुआ पुलिस को कॉल। मतलब आपका बोलने का मतलब है 30 मिनट से ज़्यादा हो गया आप डायल 100 पे कॉल करके पुलिस वाले हम लोग का क्या? मैं यहाँ पे ठहर के मैं पुलिस को कॉल भी किया, पुलिस वाले अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। और मैं यहाँ पे नए होने की वजह से मैं मीडिया वालों को बुलाना पड़ा मेरे को, इसीलिए मैं आप लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अत्तापुर चौरस्ते पे नज़र रखें। मेरे साथ हुआ, किसी और के साथ भी ना हो। मेरा मास्क फाड़ दिए और रोजे की हालत में हूँ, बहुत बुरा मारे मेरे को। मेरे को 4-5 जने मेरे पास पैसे भी थे जेब में, 1100 रुपये थे, पैसे भी गिर गए मेरे, जेब फाड़ दिया उन्हें मेरा, मेरी गाड़ी का इंडिकेटर भी टूट गया मेरा। और एक जो है ना, मैं पुलिस को नहीं आने की वजह से मीडिया पहले आ गई, पुलिस तो अभी तक आने में, और ये अगर ऐसा हुआ तो पब्लिक का क्या होगा? मेरे संगत हुआ, दूसरों के संगत ना हो। तो आपके जो पैसे गिरे बोल रहे हैं, आप कौन सी जेब में थे? आपके ऊपर की जेब में थे? मेरा जेब भी फटे हुआ है, मेरा जेब भी फटे हुआ है मेरे संगत भी फटे हुए। मैं जेब में रखने के फिर मेरा जेब में था। आपका ये जेब फाड़ के बोलो जी, उंडिया देखिए, उंडियाँ पूरे टूट गए मेरे। यहाँ पे अत्तापुर चौरस्ते पे या खुल्लम खुल्ला रात कर रहा है आरमगढ़ चौरस्ते। तो नाजरीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर आरमगढ़ चौरस्ते के पास मोहम्मद इस्माइल नामी शख्स पर कुछ नामालूम अफराद ने हमला कर दिया। जब ये इसके ऊपर अटैक होने के बाद इन्होंने डायल 100 पर कॉल करके पुलिस से मदद भी मांगी, लेकिन पुलिस का अब तक कोई भी जवाब नहीं मिला। सिर्फ पुलिस का एक कॉल इनको आया है ऐसा इनका कहना है, और ये साथ में हमें भी कॉल किए थे और हम अब तक पहुँच चुके हैं, यहाँ पर वीडियो भी कवा चुके हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँची है। तो हुकूमत तेलंगाना से हम गुजारिश करते हैं और CP साइबराबाद से भी गुजारिश करते हैं कि राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में ये एरिया आता है, दोनों के बीच में है, तो मैं CP साहब से ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर पुलिस वालों को एक्टिव होने के लिए आप इसमें और इसके संगत और 2-3 जने हैं इसमें, और ऐसे लोगों का अत्तापुर चौरस्ते पे खुला राज आरमगढ़ चौरस्ते पे खुल्लम खुल्ला लोगों के संगति से इन्हें है और जेबा फाड़ ले लोग पैसे निकाल दे रहे, इन्हें निकाला मेरे पास से पैसे ऊपर का जेब फाड़ के। ₹1100 थे मेरे पास गाड़ी का, मेरा थोड़ा खरीद भैया गाड़ी का इंडिकेटर भी तोड़ा, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल रहे लोग, इन्हें पकड़ ला दूसरे 2-3 जने लोगों के संग, और एक जने बस में बैठ के भागा। अभी मैं 100 को डायल करे बाद में, अभी तक मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। कितनी देर हुई आप भाई डायल 100 पे कॉल करके? घंटा हो गया भाई। नाजरीन आप देख सकते हैं, ये जो बंदा है इनके ऊपर अटैक करे, इनके साथ में कोई भी नहीं थे, इन्हों अकेले जब आरमगढ़ चौरस्ते से आ रहे थे तो ये भाई साहब अटैक करे आप। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ जमा है और काफी लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ लोग नशे में गांजे का नशा करते हैं, ऐसे लोगों पर जो बेकसूर लोग हैं सिग्नल पर चढ़ते जो रोड पर से जाते हैं उनके ऊपर हमला करते। तो आइए सुनते हैं यहाँ के मुकामी लोगों से। आरमगढ़ चौरस्ते पे ऑटो में पीछे से पैसे चोरी कर रहे हैं, चौरस्ते पे गाड़ियाँ वालों को दम कर दे रहे, पैसे मार ले रहे। इससे पहले मेरे 600 रुपये मारे 2-3 दिन पहले, मैं पेमेंट लेके आ रहा था कारखाने से, 600 रुपये ऊपर के जिम्मे से उड़ा दिए। अभी मैं चेक करे थे भी पैसे ला डे पे करे पैसे चोरी से लेकर दो दिन के बाद बोले आप 600 में फिरा रहे, नहीं फिरा हूँ।
पैसा चोरी कर रहे, पैसे मार दे रहे। तो ये लोग कौन है आपको मालूम है? ये चौरस्ते पे सीजन करी रहे थे, 24 घंटे भीख मरे रहे थे, पीने के गांजा पीते, चरस पीते, शराब पीते, लोगों को दम कर दे रहे। 24 घंटे में दिन भर में जब दिल बोला जैसा दिल बोला ऐसा मारते हैं, परसा मारते हैं, ऐसी करते हैं। पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वाले इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं? कंप्लेंट दिया पीएस में जाके, तो पीएस में 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद वो नहीं, वो गरम गड्ढा पीएस में जाके कंप्लेंट किया था।